ये बस स्टॉप है, ये ऊपर वो बता रहा है सारा कब कब कोई आ रही है। मैंने जाना 41 पे, तो 1 मिनट में जो है वो बस आ रही है। अब सर्दियाँ तो जो दिन है वो काफ़ी लेट निकलता है, तकरीबन 8-9 बजे जाके सूरज निकलता है, और वीक डेज़ के अंदर आपको सड़कों के ऊपर यहाँ पे ऐसे ही रश नज़र आएगा, क्योंकि उन्होंने ऑफिस पहुँचना होता टाइम। भाई साहब अपनी बस आ गई है, ये 41। भाई जाएगा ऊपर, ली जाएगी सीट। ये है टर्मिनल 2 आइलैंड के, ये जो एयरपोर्ट है इसके 2 ही टर्मिनल, टर्मिनल 1 एंड 2, और इसी को ये ना जो भी यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं शेंजन के अंदर, वहाँ पे जो फ़्लाइट्स जाती हैं तो उनको ये डोमेस्टिक जो है ना वो कंसीडर करते हैं। तो मैं जब भी ड्यूटी पे आता हूँ तो यहाँ से ये ऊपर उतर के ना, तो यहाँ से अंदर से होकर वो दूसरी साइड पर एंडॉक्स है जहाँ पर कोरोना के टेस्ट होते हैं, वहाँ पर मेरी ड्यूटी होती है, तो यहाँ से गुजर के जाता हूँ मैं। यहाँ पे ना कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब मैं सुबह सुबह आता हूँ इस साइड से तो इस तरह के बादल जो है वो ना बने हों, कभी इससे भी ज़्यादा जो है ना, जिस तरह वो रेड रेड रोशनी जो है ना वो नज़र आ रही है ना, जिस तरह आसमान में बना होता है और ऐसे हवा जो है। वैसे सर्दी है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो सर्दी कोई नहीं है अभी, वो वाली सर्दी नहीं है जिस तरह वो हाथ फ्रीज हो जाते हैं। तो इस तरफ से देखें जो नज़ारा अल्लाह ताला और जो खूबसूरती दुनिया में अल्लाह ताला कुदरती तौर पर नेचुरली तौर पर होती है ना, वो जितना मर्जी कोई अपना हम आर्टिफिशियल या मसनूई उसको करने की कोशिश करें नहीं हो सकती। आप ये नज़ारा देखिए, और इसमें वो देखिए एक जहाज आ रहा, तो वो कैसा नज़ारा यार, जहाज यहाँ पे लैंड होगा, ये आप लोगों को नजर आएगा। मैंने जो लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि तकरीबन 30 डेज के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आज ना मैं जो उसकी मेन रीज़न है कि तकरीबन समटाइम 5 दिन और समटाइम 4 दिन वीक के अंदर जॉब होती है, तो मैं ये जो रेंट ऑफ्स है इस पे कर रहा हूँ जॉब तकरीबन लास्ट 4 से 5 माह में रेगुलर मेरा यहाँ पे रोस्टर आ रहा है, यानी कि एक साइट उन्होंने फिक्स कर दी हुई है। तो उसकी वजह वीडियो ना आने की एक सबसे बड़ी ये थी कि शेड्यूल है जो वो इतना बिजी होता है। अब मैं सुबह आपने देखा 6:30 बजे निकला हूँ और आज की सारी रूटीन बताऊँगा, और उसके बाद मैं एक सेकेंड जॉब करता हूँ वो भी साथ कवर करूँगा, और ये सारी रूटीन आपके साथ शेयर होगी, और आप इसमें ये देखेंगे कि मेरे पास टाइम कितना होता है। आया मेरे पास व्लॉगिंग के लिए टाइम होता है, अच्छा अब मैं रोज़ ये तो नहीं होता कि मैं जी जॉब पे आ गया सिक्योरिटी पे और वहाँ से मैं जो सेकंड जॉब है वहाँ पे जा रहा हूँ और यही चलता रहे, इस तरह भी तो नहीं वीडियो बन सकती। तो इस वजह से भी फिर 2 दिन छुट्टी होती है, तो 2 दिन में कोई एक तो बंदे ने रेस्ट भी करनी होती है, और जब बंदा सोया होता है बंदा कहता है यार 5 दिन काम करना है तो अब सोए रहो, और भी बीच में आपके कपड़े धोने हैं, और भी कोई कटिंग है, मेरे बाल देखें कटिंग करवाने वाली है। तो ये सारी रूटीन मैं जो ये वीडियो स्टार्ट की है इसमें आपको सारा
अब प्रैक्टिकल जो है ना वो अपना रोस्टर में बताऊंगा जो मेरी रूटीन है। तो फिलहाल जो मौसम है यहाँ पे नवंबर स्टार्ट हो गया, आइलैंड का मौसम ऐसे ही रहेगा, बार बार धूप तो फूल ही जाएगा। सुबह आपने देखा था बादल अब सारा दिन ऐसे हो रही है, जब हवा चलती है सुबह हवा ठंडी नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा ठंडी है हवा, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ना ये जब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ अब ये तकरीबन एक माह हो गया, ये फ्रीडम फूड ये नया रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन हुआ है। जब से ये ओपन हुआ है एयरपोर्ट के अंदर आपको पता है हमेशा चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो जब से ये आया थोड़ा जो है ना वो सुकून है कुछ चीज़ लेने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कॉफ़ी ले कर आते हैं। सर रेस्टोरेंट के अंदर वो ठीक है, सर्दी नहीं है, बाहर बहुत सर्दी है। हाय, यहाँ पे एक कॉफी चाहिए थी। यहाँ पे अपना ही बंदा है, वो किधर है, वो जिधर थी, अच्छा वो। Alright. और सुनाए साहब, ठीक है, मैच देखते हैं आप भी? अरे, इंडिया से है ना आप? बुरी तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ही ना, फाइट हो थोड़ी, फिर मजा आता है। हाय, आई नीड अ कॉफी। हॉट चॉकलेट? नो सॉरी, कैपेचिनो। या बिकॉज हॉट चॉकलेट इज ना, तो सो आई नीड अ स्मॉलर वन। या Anyone? No problem. That's a regular, yeah? Okay. What is the difference actually? This one is smaller and cheaper a bit. This is the cheaper and smaller. And how much is the difference for the prices? The prices, I'm not sure. So cappuccino is $3.28, the normal, regular. And the smaller is $3.19, $3.28. So 9 cents. 9 cents. 9 cents, the difference. All right. The size is different actually. So that's more. But it's okay. Give me a regular one. Yeah. Coffee banne lagi hai bhai. No, I just make a video. Actually, I'm not addicted to the coffee. So sometimes like it tastes like a bitter, you know. But I'm trying to addict myself. Level ke sambhi bhai. The pay by card? Yeah, only card. All right, no problem. Alright, I will pay by card, yeah. $3.28, please. Alright. Do you need a receipt? Yes, wait. Yeah. Bhai, coffee le liya, $3.28. So, ye restaurant hai, bhai. यहाँ पे ये है कि आप जब भी आएँ, ये वैसे इधर इनका फूड शूट का वो अब कुछ चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं ये, तो जब भी आप इधर ना बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता कि यार कोई चीज़ पता नहीं हलाल है कि नहीं, क्योंकि देखें यहाँ पे इस टाइम इस साइड पे जो है वो वाइन वगैरह भी है, तो ऐसे ही है बस। और ये सारा पोर्क है, ये वाला सुअर ये, तो इस वजह से फिर बंदा समटाइम सेटिस्फाइड नहीं होता आए कि कोई चीज़ खाए कि ना खाए। ऑलराइट, थैंक यू। वेज शुगर? ऑलराइट, थैंक यू। चीनी भाई हम अपने हिसाब से डालेंगे। लेवल है भाई, कॉफ़ी अच्छी है इनकी।
वैसे कोई लोकल कॉफ़ी आपने तो मज़ा नहीं आता, तो और जिस बंदे को वैसे ही आदत ना हो वो तो वैसे ही कोई नहीं। तो इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चॉकलेट वगैरह डाल के तो अच्छी मिलती है। मेरी एक गुड़ी है जिसका टाइटल है मैं फर्स्ट डे एट सिक्योरिटी। तो मैं जब आयरलैंड में आया था तो पहले दिन मेरी सिक्योरिटी जो है ना वो जॉब थी वो इसी रैंडॉक्स में थी। तो बारिश इतनी ज़्यादा थी, मैं यहाँ से गया था तो मुझे ये रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरे लिए ना बल ज़्यादा मतलब फर्स्ट टाइम आए तो ऐसे ही होता है। अब तो मैं पिछले 5 माह से रेगुलर यहाँ पे आया था, तो ये बिल्कुल यूज़फुल। तो उस वीडियो में मैंने 2 शिफ्ट्स की थी, तो वीडियो के ऊपर मतलब चैनल पे जो आपकी वीडियो थोड़ी वायरल होती है तो वो वाली है। तो यहाँ पे मैंने पहले दिन सिक्योरिटी की, और उसके बाद मतलब उस दिन तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अच्छा यार मेरी ड्यूटी यहाँ पे हो जाएगी। तो पिछले 5 माह से अब जो है ना यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन तब रश इतना था तो मैंने ये बाहर ही इधर ना सर्दी बहुत थी, जनवरी की बात है। तो मैंने यही कहा था यार यहाँ पे दोबारा मेरी जॉब ना हो, क्योंकि क्यू इतनी ज़्यादा बार लंबी लगी होती थी, बाहर ही खड़ा रहता था। लेकिन उसके बाद अल्लाह का करना हुआ, जब से रोस्टर डाला ना उन्होंने, तो ये एक्चुअली बना हुआ है कोरोना टेस्ट के लिए। लोग एयरपोर्ट पे आते हैं इमरजेंसी या किसी को भी चाहिए हो तो यहाँ पे बुक करते हैं। तो कोरोना टेस्ट अब सब कंट्रीज ने बंद कर दिया, वो ज़्यादा यूएसए का था, तो अब क्लाइंट आते नहीं हो तो अंदर ही सारा दिन बैठे रहते हैं। ये पूरा जो रैंडॉक्स है ना, ये वाला इधर से एंट्री है इसकी, ये इन्होंने इमरजेंसी में बनाया था, सिर्फ जैसे एक कंटेनर नहीं होता तो उस तरह। तो ये मतलब क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट है मे भी जनवरी में ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा कोई जो स्ट्रॉन्ग कंप्लीट उसकी जो बिल्डिंग होती है वो नहीं बनाई इन्होंने, तो जस्ट ऐसे पार्टीशन का उसके कुछ रूम बनाए हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ, ये एक्चुअल में किचन है ये, और किचन के अंदर ही इन्होंने एक ये यहाँ पे चेयर और कैमराज कर दिए, इसको सिक्योरिटी रूम का भी नाम दे दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर ही है, तो लेकिन ये है कि अच्छा है तो गर्म ही रहता है, और दूसरे जो है ना वो बड़े ठंडे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो मेन रूम है ना, यहाँ से ये जो मेन रिसेप्शन है ये दरवाज़ा खुला रहता है, क्योंकि यहाँ से लोग आते हैं तो सर्दी आती रहती है। दूसरा यहाँ पे ना एक चीज़ देखिए, जो आपका बैग होता है ना, जैसे वो एक आपका घर में ना पुराने वक्तों में एक वो आपका बॉक्स होता है, उसके अंदर ही एक प्राइवेट अम्मी का होता है, ताला लगा के रखती हैं उसकी जी, घर की सारी जमा पूंजी को गोल्ड या को पैसे हों तो रखे होते हैं। आपके बैग के अंदर हर चीज़ होती है, ब्रश हो गया, खाने वाली, लैपटॉप, और ये बिस्किट कॉफ़ी लेके आया था तो मैंने कहा चलो निकाल के खाते हैं। ये बिस्किट के साथ जो कॉफ़ी का मज़ा ना, वो जैसे चाय के साथ पराठे का वो ही वाला सीन है। टाइम हो गया 7:30, इसी टाइम पे मैं यहाँ से निकला था, अब घर ही आ गया हूँ मैं, यहाँ से उतरा हूँ अभी बस से, वो पीछे बस स्टॉप है। तो वैसे तो यूजली क्या होता है, वीक डेज़ में मैं चला जाता हूँ सीधा शॉप पे, लेकिन अब वीकेंड है, आज फ्राइडे है, तो शॉप जो है ना वो लेट बंद करनी है, यानी कि सुबह मॉर्निंग में, तो वहाँ से सीधा फिर मैं जॉब पे निकलूँगा, वो आपको साथ ही पता चलेगा। इसलिए अब थोड़ा सा मैंने सोना भी, अब कल जो मैं सुबह उठा था ऑलरेडी मैं 3 बजे सोया था आके, क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे दुकान से आया था, तो अब थोड़ा सा सो के 2-3 घंटे 11 बजे जाऊँगा, 10 बजे या 11 बजे जब भी आँख खुलगी, लेकिन 11 बजे मैक्सिमम, उसके बाद सुबह 5 बजे तक जो है ना वो करना है शॉप पे काम, उसको बंद करना है, फिर जो है ना सेम सिक्योरिटी पे। तो ये रूटीन आपके साथ ही रहेगी, उधर जाके जो है ना व्लॉग एंड करूँगा। टाइम हो गया 9:00, क्लियर नज़र आ रहा होगा, 45 मिनट तकरीबन, और मैंने वहाँ से जॉब जो फिनिश की थी वो 7 बजे की थी, घर आते आते मुझे तकरीबन 8 बज गए। आके सिर्फ फ्रेश हुआ हूँ और अब दूसरी जॉब की तरफ जा रहा हूँ, सिटी सेंटर जो दूसरी शॉप में मैं जॉब करता हूँ ना वहाँ पे। Which one? Lost Mary or Alpha? Alpha. Which one? Have you tried Mary 2? No. So try this one. Is it like the Ras? No, it's a different from the Blue Ras. You want a strong one? Just give us a strong one.
यहाँ पे सिक्योरिटी की तरह फ्री नहीं बैठ सकते कस्टमर सर्व करने के अलावा। आपने यहाँ पे जो फ्रिज है इनको देखना होता है, अगर ये खाली हो तो फिर आपने इनको भी फिल करना होता है, तो ये बिल्कुल बिजी जोन है ड्यूटी जी। टाइम क्या आ रहा है मुकीत भाई? 4:23, 4:30 जी। और अभी फिनिश की है जॉब मैं कल 6 बजे का। मुकीत भाई को शायद नहीं पता तो मैं अपनी रूटीन एक्चुअली बता रहा हूँ। व्लॉग जो है ना वो मैं रेगुलर अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी वजह क्या है? मैंने कहा पता है तो आपको तो पता है, लेकिन बता रहा हूँ कि जो लोग देखते हैं कि इसकी वजह क्या है एक्चुअली। तो मैंने मुकीत भाई शुरू की थी जो सिक्योरिटी की सुबह गया था जॉब, वो समझ लो कि कल 6 बजे की शुरू है, अब 6 बजे फिर मैंने जाना जॉब पे। तो अभी फिनिश करके आ रहा हूँ, 4:30 हो गई, 4:30। तो ये मुकीत भाई इनका तो चलते हैं साथ साथ, इनका तो माशाल्लाह पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो मुकीत भाई ये क्या रूटीन होती है वीकेंड पे? वीकेंड पे यही होता है कि एक जॉब से फिनिश की दूसरी पे और फिर दूसरी पे चले गए। ऐसे ही है। पता क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जॉब्स होती है, फिर इनकी जो रूटीन चल रही होती है वो मोस्टली यहाँ पे जो इवेंट्स हैं या आप उनको कॉन्सर्ट्स कह लें या मैचेस कह लें, वो इनके वीकेंड्स भी होते हैं, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, लेकिन ये लोग इंजॉय करते हैं, हम लोग काम जी, ही करते हैं। ऐसे ही है। जाहिर है वो हम लोग इनकी खिदमत के लिए आए। तो ये वीकेंड पे शॉप लेट बंद करने की ये वजह होती है कि सुबह तक कस्टमर आते रहते हैं। तो इन शॉर्ट यही है कि अब जाना घर और जाके थोड़ा बहुत फ्रेश होना और फिर अगली जॉब के लिए। आपने भी जाना? बिल्कुल जैसे ही है रूटीन का। असल में ये होता है कि हमारे जो शॉप है जहाँ हम काम करते हैं वो वीक डेज में मंडे टू फ्राइडे
सॉरी मंडे टू थर्सडे वो एक्चुअली बंद हो रही होती है रात 1 बजे तक मैक्सिमम 1.5, ठीक है। तो वो बीच में 4-5 हमें घंटे मिल जाते हैं सोने के लिए, वो भी बहुत कम, ठीक है। और एक्टिविटीज भी देखनी होती है, सारा कुछ, नींद तो पूरी नहीं होती। हाँ जी, तो वीकेंड पे थोड़ा इशू होता है। तो ये लाइफ है एक्चुअली, ये बताने का मकसद है, कोई लाइफ नहीं है।